दोस्तों स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे एक नए YouTube वीडियो में। और आज मैं आया हूँ साउथ गोवा का बहुत ही खूबसूरत पालोलिम बीच पे। और ये बीच को एक्चुअली मैं आज एक्सप्लोर करूँगा और अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगा। यहाँ से ही बटरफ्लाई के लिए जाना होता है। बटरफ्लाई बीच के लिए आपको पालोलिम बीच से ही वो बोट लेना होता है। 1.5 घंटे का वो टूर होता है पूरा बटरफ्लाई बीच तक जाने के लिए। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बतलाऊंगा कि बटरफ्लाई बीच जाने के लिए कितना चार्जेस होता है के बारे में मैं डिटेल्स में बात करूंगा। तो वीडियो में आप नए हो तो बने रहे और मैं इस पालोलिम बीच के बारे में डिटेल्स में दिखाता हूँ। तो गाइज अभी मैं पालोलिम बीच को एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ सुमित साहू है जो फ्रेंड्स हॉलीडे के ऑनर है और ये मुंबई में इनका एक सेटअप है फ्रेंड्स हॉलीडेज के नाम से। तो सुमित अभी हम लोग चलते हैं पालोलिम बीच। एक्चुअली हम लोग दो चार दोस्त साथ में आए हैं तो अभी हम पालोलिम बीच के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे और यहाँ पे जो बीच साइड में जो हट होते हैं उसके बारे में बात करें। बहुत सारे हमारे गेस्ट या बहुत सारे क्लाइंट का कमेंट्स आ रहा था हमारे यूट्यूब चैनल पे कि आप पालोलिम बीच पे जो हट होते हैं बीच व्यू हट उसका प्राइस बतलाओ क्या प्राइस होते हैं। तो उसके बारे में हम आज डिटेल्स में बात करेंगे। और एक्चुअली मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत ही मतलब ज़्यादा क्राउड नहीं है ये बीच पे। साउथ गोवा का बिल्कुल शांत बीच है और यहीं से बोट से बटरफ्लाई बीच के लिए जाना होता है जो करीब 1.5 घंटे का उनका ट्रिप होता है। बटरफ्लाई काफी फेमस है, बहुत फेमस बीच है। बहुत सारे कपल्स जाने के लिए वहाँ पे रेडी रहते हैं कि हमारे को बटरफ्लाई बीच पे जाना है। एक्चुअली पालोलिम बीच पे वाटर स्पोर्ट्स का ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे पैरासेलिंग, जेट स्की, स्पीड बोट और बाकी बम्पर राइड, बनाना राइड, ये सब आपको इस बीच पे नहीं मिलेगा करने के लिए। कुछ कुछ एक्टिविटीज़ है जैसे कि कैकिंग और स्पीड बोट से जो बटरफ्लाई बीच पे जाना होता है। तो हमारे साथ अभी राज भाई है जो यहाँ पे हम एक्चुअली बीच एक्सप्लोर कर रहे थे तो ये हमारे से पूछ रहे थे कि कैकिंग करोगे आप। तो मैं इनसे जानता हूं कि कैकिंग अगर पालोलिम बीच पे आप करते हो तो कितना चार्ज होता है। तो राज भाई स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और कोई क्लाइंट अगर कैकिंग करना चाहता है तो कितना चार्ज करते हो आप? 200 रुपया पर परसेंट है। 200 रुपया पर पर्सन, उसमें कितने देर देते हो कैकिंग करने के लिए? 1 घंटा का रहता है। 1 घंटे का टाइमिंग होता है, 200 रुपया उसका चार्ज होता है। और इस पे इस कैकिंग पे कितने लोग मतलब बैठ सकते हैं? 2% का होता है, 2 लोग बैठ सकते हैं। 2 लोग और खुद से वो चलाएंगे या सकता है? चलाने के लिए हम लोग सिखाता है, उसके बाद खुद से चला सकता है। खुद से चला सकता है। एक्चुअली आप अगर 200 रुपया पे करोगे पर पर्सन तो आपको कैकिंग दे दिया जाएगा 2 लोगों के लिए और उसको आप सेल्फ ड्राइव भी कर सकते हो, मतलब खुद से चला सकते हो। ये थोड़ा ट्रेनिंग देंगे राज भाई, यहाँ पे ट्रेनिंग दे देंगे आपको कैकिंग चलाने के लिए और फिर ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा वाटर एक्टिविटीज़ का ऑप्शन नहीं है। अगर आप पालोलिम बीच पे आते हैं तो कैकिंग एक वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, बहुत ही नॉर्मल प्राइस में है। एक्चुअली 200 रुपीज़ ओनली 1 आवर्स के लिए आपको पे करना होगा। तो राज भाई ठीक है, हम
पे पालोलिम बीच के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में हमारे व्यूअर्स को बतलाइए कि कैसा आप जब यहाँ पे आए तो आपको कैसा फीलिंग हुआ, कैसा एक्सपीरियंस रहा पालोलिम बीच के बारे में? आई थिंक ये सबसे अच्छा बीच है गोवा का. सबसे आप देखेंगे अगर कहीं स्टोन्स होता है, कहीं रॉक्स होते हैं, वो आप प्रॉपर बीच अगर बोलेंगे ना तो पालोलिम बीच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच. आप देखेंगे अगर इसकी सी लाइन जो है, आप सैंड देख लीजिए यहाँ पे पूरा, आप ग्रीनरीज देखिए, आप हिल्स देखिए वहाँ पे, आप पूरा ग्रीनरीज देखिए, पाम ट्रीज जो है ये और कोकोनट ट्री जो है ये पूरा आपको यहाँ से लेकर पूरा बीच को कवर किया हुआ इन्होंने. तो ये इट इज कंजर्व बीच काफी, मतलब से रखा गया इसको इतने अच्छे तरीके से और बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत नीट एंड क्लीन, और ज्यादा यहाँ पे फॉरेनर टूरिस्ट ही मैं देख रहा हूं. और मुझे लगता है कि मतलब ये बीच को बहुत अच्छा प्रिजर्व किया इन्होंने और वन ऑफ द फाइनेस्ट बीच आई कैन से, मतलब मैं जितना गोवा में देखा हूँ या इंडिया में भी आप कह सकते हो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट बीच, वन ऑफ द वेरी फाइन बीच. सो एक्सलेंट, आई थिंक यू शुड कम स्पेंड अ डे और टू. आप रश भरी जिंदगी में जीते हुए रहते हो तो एक दो दिन तो बिताएं यहाँ. तो गाइज मैं ये, आपको बहुत सारे गेस्ट हमारे आते हैं 3 नाइट या 4 नाइट का पैकेज लेते हैं कैलंगुट या बागा या नॉर्थ गोवा में. कैंडोलिम बीच पे हम स्टे देते हैं, उसी तक लोग कैलंगुट, साउथ गोवा, ओल्ड गोवा चर्चेस घूमकर चले जाते हैं. अगर आप नॉर्थ गोवा में भी रुक रहे हैं तो एक दिन आप टाइम निकालकर ये बीचेस की तरफ आ सकते हैं. साउथ गोवा का पालोलिम बीच, बटरफ्लाई बीच, अगोंडा बीच और यहाँ पे कोलवा बीच, ये सब बीचेस आप घूम सकते हैं. थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ेगा एक्चुअली. नॉर्थ गोवा में आप स्टे करोगे, यहाँ पे आओगे प्राइवेट कैब से आना होता है तो एक्सपेंसिव पड़ेगा, अराउंड 5,000 रुपीज चार्ज होता है कैब का. बट एक दिन आप टाइम निकाल कर यहाँ इस बीच पे आ सकते हो. बट अली भाई एक और चीज है, मुझे लगता है कि गोवा एक बार में कवर अप नहीं किया जा सकता, किया जा सकता. तो मेरा पर्सनल एडवाइस ये रहेगा कि कभी जैसे आप नॉर्थ प्लान करते हो जी जी, लोगों को साउथ प्लान करना चाहिए और साउथ एक्सप्लोर कम्प्लीटली करना चाहिए. लेकिन सुमित भाई बहुत सारे लोग बजट ट्रेवलर होते हैं, एक बार मतलब गोवा को देखना होता है तो चाहते हैं कि हमारे को नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा मतलब पूरा कवर हो जाए. लोगों के पास टाइम कम है, बहुत सारे लोग बजट पैकेज लेकर आते हैं. तो उसके लिए मैं बोलना चाहता हूं कि वो आप स्कूटी से भी आ सकते हैं, 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है, स्कूटी से भी आ सकते हैं. बट अगर आप आए हैं तो एक दिन प्राइवेट कैब करके यहां तक आ सकते हैं. और रूम्स तो सफर ट्रैवल दिला ही देगा जी, सफर ट्रैवल से आप बुकिंग कर सकते हो. बट बहुत सारे गेस्ट को ये होते हैं कि हम पालोलिम बीच के तरफ जाकर रुकेंगे लेकिन इस साइड में कॉस्ट ज्यादा है, होटल का प्राइस अगर इस साइड में आप लेते हो. तो मैंने अभी 2-3 कवर किया हूँ कॉटेजेस जिसका चार्जेस अराउंड 6,000-7,500 पर नाइट है. तो उससे बेटर है कि आप नॉर्थ गोवा में स्टे कीजिए, बजट स्टे कीजिए और एक दिन के लिए आप इस साइड वाली बीच पे आकर आप टाइम को एक्सपेंड कीजिए, बीच को एक्सप्लोर कीजिए. तो गाइज अगर पालोलिम बीच पे आप आते हो और पालोलिम बीच से अगर बटरफ्लाई बीच, हनीमून आइलैंड और डॉल्फिन शो के लिए आपको 1,000 रुपीज पे करना पड़ेगा पर पर्सन. और ये बोट आपको 1.5 घंटे का पूरा टूर करवाएगा और जहाँ पे आपको बटरफ्लाई बीच पे और हनीमून आइलैंड पे लेकर जाएगा डॉल्फिन साइट सीन कराते हुए. तो ये इनका पालोलिम बीच पे काउंटर है, पालोलिम बोट ऑनर एसोसिएशन का काउंटर है और यहाँ पे आकर आप डायरेक्टली बुकिंग कर सकते हो. 1,000 रुपये इनका चार्ज पे करना होता है पर पर्सन. अगर आप ग्रुप में हो तो कुछ आपको डिस्काउंट भी मिलेगा यहाँ पे. तो गाइस अगर आप पालोलिम बीच पे स्टे करना चाहते हैं बीच साइड रिसोर्ट में या हट में या फिर सी बी रिसोर्ट में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 हट के बारे में कवर किया हूँ जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा. तो अगर वीडियो में आप बने हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले.